सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन। थैंक यू। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक्स। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? वेलकम एवरीवन, कभी सब्सक्राइबर्स। और आज मैं बनाने लगा हूँ स्पेशल सूप। जो मौसम है और सर्दी का शुरू हो रहा है, सूप बहुत अच्छी चीज़ है। इससे एक तो ये फ़ायदा है, एक तो आपके खाने को ये हजम करता है, सेहत के लिए बहुत गुड है, गला खराब जुकाम के लिए सही है, फिटनेस बरकरार रखता है। सूप के बेशुमार फायदे हैं, बेशुमार सूप है। अगर आप लोगों को सूप के जितने नाम आते हैं तो बॉक्स में लिखा करें, ताकि मैं नेक्स्ट आप लोगों के सजेशन के मुताबिक सूप बनाया करूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। अब हम गाजर का छिलका उतारते हैं। ऐसे सबसे पहले हमने इस तरह गाजर को ऊपर से ऐसे छील लेना, ऐसे ये देखे छिलका इतना कितना आसानी से उतर रहा है। अगर हम ये नाइफ़ के साथ काटेंगे तो उससे फिर ये है कि गाजर एक तो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाती है। ठीक है, छिलका उतारने से ये देखे गाजर माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, खूबसूरत लग रही है। अब हमने जो हमारे पास एप्पल कैबेज है उसको हम कटिंग कर रहे हैं ब्रीक। बंद गोभी को हमने काटना है। बंद गोभी जो है ये बहुत ज़बरदस्त बड़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी सैलड में इस्तेमाल होती है, सूप्स में इस्तेमाल होती है। आपने देखा बहुत सारी डिशेस में जो है ना ये एप्पल कैबेज जो है इस्तेमाल होती है बंद गोभी। अब मैंने पहले इसके मैंने लंबे स्लाइस काटे, देखो ये देखे अब कितने ईजी अब जो इसकी ब्रीक कटिंग हो रही है। और जिस तरह की कटिंग हमारे इसकी है, सेम ही हमारी कटिंग होगी गाजर की और सेम ही हमारी कटिंग होगी चिकन की। ये देखें ऐसे हमने इसको गाजर का पहले एक स्लाइस हमने उतारा, फिर हमने उसकी तरफ उसकी तह को लगा दिया, तो फिर जो है ना गाजर अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है ऐसे। फिर देखें ये हमने इस तरह इसके स्लाइस बना लिए हैं। अगर आप चाहें तो सूप में मोटे स्लाइस भी रख सकते हैं, लेकिन ये छोटे नॉर्मल हैं वो ठीक रहते हैं। अब ये देखें इसको सेंटर से ऐसे करके मैं पीस इसके नॉर्मल कर रहा हूँ, ज़्यादा छोटे भी नहीं कर रहा। ये ऐसे इतने इतने माशाल्लाह प्यारे भी लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह कैरेट के सारी कटिंग जो है इस तरह ऐसे करेंगे। इसमें हमें जो है फुल कैरेट की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें हाफ कैरेट काफ़ी है। देखो हमने कटिंग कर ली। अब हमने चिकन ले लिया, चिकन जो है हम उसकी भी इसी तरह ना कटिंग करेंगे जिस तरह की हमारे पास कैरेट की है। क्योंकि कोई भी डिश है जब उसकी सेम कटिंग होती है तो वो डिश प्यारी। ये नहीं एक चीज़ छोटी है एक आपने बड़ी बना दी कि लंबी बना दी ना। अगर जंजर कटिंग है तो जंजर हो, जंजर होती है लंबी कटिंग। अगर जो आपने छोटी कटिंग रखनी है जैसे आप कचूमर सैलड की बनाते हैं कटिंग, ठीक है वो हो गया, इनको बोलते हैं क्यूब्स कटिंग। ये हम क्यूब्स कटिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे पीस होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप अगर बनाते हैं घर में या रेस्टोरेंट में, अगर आपने देखा होगा जेल फ्रेजी में उसकी कटिंग किस तरह की होती है, गोल पीस होते हैं। ठीक है, उस तरह के हमने ये इसको बना तो लिया, हमने इसके छोटे साइज़ के बनाए हैं ऐसे। ये देखे हमने चिकन की भी कटिंग हो गई और तीनों कटिंग देखो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत प्यारी लग रही हैं। तो अब हम इसको बनाएंगे। हमारी जो इसमें रेसिपी है, इसमें हमने ये पानी डाला कढ़ाई के अंदर, ठीक है। पानी को हम थोड़ा बॉयल करते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके पास चिकन की हड्डियां वगैरह पड़ी हैं या मटन के ज्वाइंट की हड्डियां, उसमें पकाया करें। ये हमने चिकन डाल दिया क्योंकि वो जो पानी होता है हड्डियों का, अब हमने कैरेट डाल दी इसमें, ये जो बंद गोभी जो है वो डाल दिया क्योंकि वो जो पानी होगा वो बड़ा ताकतफुल होता है। तो अब हमने कैरेट गाजर डाल दी, ये चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं ताकि ये बॉयल हो जाए। हाँ, अगर वो वाला पानी जो मैं कह रहा हूँ ब्लैक पेपर डाल लिया इसमें, तो उसका फिर हमें ये फ़ायदा होगा कि उससे यखनी जो है ना उसमें ताकत आ जाती है। अब साल्ट डाल दिया हमने, ठीक है। तो ये देखे चीज़ें पकने लग गई हैं, ये थोड़ी देर में ये जो चीज़ें ये बिल्कुल पक जाएंगी तो सूप जल्दी बन जाएगा। इसके बाद हमने इसमें सोया सॉस, विनीगर, सिरका, रेड चिली सॉस वो फिर डालेंगे हम। ये हम इसमें चीनी डाल रहे हैं, शुगर डाल दी है वो भी डालेंगे। एक इसमें अंडा डालेंगे, उसके बाद हम इसको कॉर्न फ्लोर से थिक कर देंगे तो फिर इसका टेस्ट बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट जैसा का होममेड सूप, बहुत मज़े का और ज़बरदस्त सूप बनता है ये।
ये देखें अब हमारा कढ़ाई में देख रहे हैं कि उसकी रंगत जो है तब्दील हो गई है। ये देखें ऐसे पकते हुए, अब हमने सोया सॉस डाल दी इसमें। ये देखें नॉर्मल ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी, अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस। ये रेड चिली सॉस हो गई। इसके बाद अब हमें इसमें सिरका डालना है, विनीगर इस तरह। ये हमने अंडा डाल दिया, अभी एग डाला है। एग का ये फ़ायदा होगा कि सूप में ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना सूप अधूरा रहता है। अगर आप को गला ख़राब हो जाए सर्दियों में ठंडे पानी से, मौसम चेंज होता है, तो आप सूप ज़रूर पीएं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। एक तो आपकी फ़िटनेस बरकरार रखता है, दूसरा खाना हज़म करता है, जिसको भूख नहीं लगती उसे भूख लगती है। डॉक्टर हज़रात सूप जो है ये बड़े शौक़ से पीते हैं। ठीक है, ये जो होम मेड सूप मैंने बनाया, हार्ट एंड सोर सूप, बड़ा ज़बरदस्त सूप है। आप लोग घर में इसी रेसिपी से बनाएं और फिर मुझे बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किस तरह बनाएं। सेम जो है आपने इतना टाइम लेना है और इसी तरह आपने बनाना है। अब हम इसमें सिरका डाल रहे हैं, विनीगर, ये इस तरह। तो अब ये देखेंगे हमारा सूप की शक्ल माशाल्लाह कितनी खूबसूरत प्यारी लग रही है। तो बहुत ही ये चीज़ें आप लोगों के घरों में आम पड़ी होती हैं, बनाना बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है बनाने के लिए। और टेस्ट आपका आएगा, आपने हर चीज़ें नॉर्मल डालनी है, नमक नॉर्मल हो, काली मिर्च नॉर्मल हो, क्योंकि वो कॉन्टिनेंटल सेट देखा नहीं रेस्टोरेंट में रखा होता है, वो बंदा बाद में डाल लेता है। अगर आपने नमक ज़्यादा डाल दिया, सिरका डाल दिया, वो खट्टा कर देगा। अब मैं कॉर्नफ्लोर लगा के इसको थिक कर रहा हूँ। ये कॉर्नफ्लोर उस वक्त लगाते हैं जब वो चीज़ देखा पक गई है, तो अपनी शक्ल से पता चल जाता है कि वो नरम हो गई है। कॉर्नफ्लोर लगाया तो ये थिक हो रहा है, और ये देखें माशाल्लाह इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत, बहुत प्यारी बन गई है ना ऐसे। ये देखें, इससे मैं बोल से और गुधारा, अगर आपने ज़्यादा कॉर्नफ्लोर लगा देना है फिर वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, वो मज़ा नहीं रहेगा, वो ज़्यादा गाढ़ा बन जाएगा ना। अगर आप इसको दोबारा गर्म करेंगे तो फिर तो वो गर्म ही नहीं ना होगा, इसलिए इसको कॉर्नफ्लोर जो है ना ये भी आपने नॉर्मल ही लगाना है, ना बहुत ज़्यादा लगाना है तो ना ही कम, जो नॉर्मल इस तरह का हो गया। तो ये देखें ऐसे, ताकि ये आसानी से पिया जाए। अगर आपको दोबारा बॉल गर्म करना पड़े तो आपको वो बिल्कुल वैसा ही लगे। ठीक हो गया ना, ये देखें माशाल्लाह शक्ल इसकी कितनी खूबसूरत। अब ये जो सूप हमने बनाया है ये 4% की सर्विंग है, जिसको फैमिली बोल बोलते हैं। रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं एक सूप, बाद में सिंगल सूप होता है जो छोटा बोल जो रखा होता है। ये देखें हमारे पास सर्विस, ये बड़ा मेरे पास शीशे का बोल, उसमें मैंने डाल दिया। तो ये 4% इसको बहुत ईजी इसको जनाब पी सकते हैं, और इसमें जो चीज़ें मैंने डाली हैं उनकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है, हेल्थी हैं, मज़े की हैं, इससे भूख भी लगेगी, खाना भी खाया जाएगा। ये देखिए हमारा बोल जो है बड़ा भर गया, इसको फैमिली बोल रेस्टोरेंट में बोलते हैं। तो ये 4% की सर्विंग है, अगर आप पीना चाहें तो 6% भी पी सकते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें इसका कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो कमेंट में मुझे बताएं जो भी आपको सूप का नाम होता है, ताकि मैं वैसा सूप बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय